हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रशांत, और लगातार जैसा कि आपसे वादा किया था कि फिल्मों पर बात होती रहेगी और फिल्मों से जुड़ी वो बातें जो अक्सर आपसे छूट जाती हैं या आप तक नहीं पहुंचती हैं, कोशिश होगी कि वो आप तक पहुंचाए जाएं। और उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं राकेश चतुर्वेदी ओम जी। राकेश को आप शायद अभी इस तरह से नहीं पहचान पा रहे होंगे, लेकिन अगर आपने फिल्म केसरी देखी है तो आपको सईदुल्ला ज़रूर, मुल्ला सईदुल्ला ज़रूर याद होंगे। और जिस तरह से उन्होंने परेशान करके रखा हुआ था केसरी में तमाम सैनिकों को, और किस तरह से उनका नेगेटिव जो अप्रोच था वो पूरा हावी था, तो उसके पीछे जो कैरेक्टर हैं, हालांकि वो इंसान राकेश जी बहुत अच्छे हैं। राकेश, सबसे पहले बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया सर। लेकिन एक कहते हैं कि एक खलनायक की या एक विलेन की या किसी भी नेगेटिव किरदार की जीत तभी होती है जब लोग उससे नफरत करने लगे, और सईदुल्ला जो कैरेक्टर था केसरी में जी उसके साथ ये हुआ। तो ये रोल आप तक पहुंचा कैसे, ये फिल्म और ये कहानी कहाँ से वो ये सफर शुरू हुआ? ये इसमें मुझे प्रशांत जी सारा योगदान जो है वो थिएटर का है। थिएटर का? रंगमंच से लगातार जुड़े रहने की वजह से जितना भी मेरा अच्छा काम रहा अभी तक या जितना भी मैं कर सका हूँ वो सब थिएटर की देन है। तो मेरे काम को लगातार जोगी साहब, डायरेक्टर अनुराग सिंह जी, तो वो मंच पे लगातार, और जो एक और हैं इस फिल्म में जुड़ी हुई मधुरजीत सरगी जी, जी इन लोगों ने लगातार मेरे काम को देखा और उस चीज़ को काफ़ी सालों से देख रहे थे। इवन तब भी ये लोग थिएटर अक्सर आते रहते थे, चूंकि मैं पृथ्वी थिएटर पे शो करना नसीरुद्दीन शाह साहब के ग्रुप के साथ, तो अब जी जी उनका जो नाटक है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें छोटे बड़े अच्छे बुरे सारे लोग पहुंचते हैं बिल्कुल नाटक बिल्कुल देखने। तो मुझे वहाँ से, मैं उनकी नज़रों में था। तो लेकिन ये बड़ी मुश्किल चीज़ थी कि एक ऐसा रोल एक ऐसी फिल्म में जिसको कोई भी एक बड़ा सुपरस्टार कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल उस रोल को मुझ पर भरोसा करके देना, मेरी परफॉर्मेंस पे भरोसा करके देना या मेरी तैयारी पे भरोसा करके देना, उसके लिए तो मैं ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा। लेकिन वो जो मेरे काम को लगातार देखते हुए उन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया कि चीज़ें मैं ये कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ, तो उसके लिए काफ़ी सारे लुक टेस्ट हुए। और एक और चीज़ चल रही थी कि मेरे बैकग्राउंड को देखते हुए अनुराग सिंह चाहते थे कि मैं जो और भी किरदार हैं फिल्म में, जो फिल्म में जितने भी सरदार हैं किसी और, बाकी और सारे एक्टर्स हैं, जी उनकी मैं एक एक्टिंग वर्कशॉप लूं। ओके लेकिन उन्होंने मुझे ये क्लियर कर दिया था कि मैं आपको ये वर्कशॉप दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि रोल दे रहा हूँ, उसके लिए आपको पूरी अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। बिल्कुल और अगर एक पैसा भी मुझे शक हुआ कि इस रोल में आप फिट नहीं हैं, इस रोल में आप मुझे नहीं जंच रहे हैं, चाहे वो लुक को लेकर के हो, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करके चलेगा, हम किसी और फिल्म में काम करेंगे। ठीक तो उसके लिए 1 महीने की जो वर्कशॉप थी उससे ज़्यादा मेरे लुक टेस्ट को लेकर के, और हर बार उस लुक के साथ मुझे हर बार ऑडिशन देना पड़ता था और वो हर बार मुझे उसी इंटेंसिटी उसके साथ देना पड़ता था। बट फाइनली जब हमारी वर्कशॉप ख़त्म होने वाली थी और फिल्म की शूटिंग फिक्स हो चुकी थी, यहाँ पर सेट लग चुका था यहीं मुंबई में पहला, तो उसके ठीक 4-5 दिन पहले जब वर्कशॉप ख़त्म होने वाली थी, तब उन्होंने कहा कि यार हम, मुझे लग रहा है कि यू शुड डू इट, और आपका ओके है, अब आप बाकी फाइनेंशियली चीज़ें वगैरह प्रोडक्शन हाउस से बात कर लो। तो वो जो पल है मुझे वो कुछ उस तरीके का है, याद रहेगा हमेशा, जब मेरा सिलेक्शन NSD में हुआ था। तो ऐसा था कि अरे, चूंकि बतौर इंस्ट्रक्टर मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ चुका था तो मुझे पता था ये कितना अच्छा किरदार है, हाँ इसका मेरे हाथ में आना मतलब लॉटरी लगने के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल तो उस दिन लॉटरी लगी थी, तो ऐसे मिला मुझे ये किरदार। तो काम करते रहने की वजह से, रंगमंच लगातार जुड़े रहने की वजह से काम मिला है। तो बिल्कुल मुल्ला सईदुल्ला तक मैं ऐसे पहुंचा और वो मुल्ला सईदुल्ला मुझ तक ऐसे बिल्कुल। पहुंचा। राकेश, एक बात वाकई होती है कि जब हम थिएटर की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन कहा जाता है कि सबसे जी ज़रूरी होता है, और मुल्ला सईदुल्ला का जो कैरेक्टर था उसमें सबसे ज़्यादा जो बात चाहे समीक्षकों ने नोटिस की हो या फिल्म एक्सपर्ट्स ने नोटिस की हो या फिल्म की दुनिया से जुड़े लोगों ने नोटिस की हो, वो यही कि उसकी ज़बान पकड़ पाना, ये कहा कौन सा होमवर्क था, क्या था, क्योंकि एक कैरिकेचरिस्ट तो हम बहुत ज़माने से देखते आ रहे थे जी जी जो हमें हर दूसरी तीसरी फिल्म में नज़र आ रहा था, जी लेकिन यहाँ
एक ऐसा पठान, एक ऐसा अफगानी था जो बहुत रियलिस्टिक लग रहा था कि हाँ वो हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाला ये आदमी है। ये बिल्कुल सही बात आपने की। ये मज़ेदार चीज़ इसके पीछे ये है कि एक तो उर्दू लैंग्वेज से मेरा पहले से साबका होना, जी जिस तरीके का मैं थिएटर करता आया हूँ, तो उर्दू मेरे लिए एक तरह से नई जबान नहीं बल्कि मैं कहूँगा मादरी जबान मेरी वाह बन चुकी वाह है। तो उसका रीज़न है कि लगातार मंटो साहब, इस्मत आपा और राजेंद्र सिंह बेदी और इस तरीके के लेख, जी प्रेमचंद जी जबकि बहुत कम लोगों को शायद मालूम हो कि वो शुरुआत उन्होंने उर्दू से ही, उर्दू के ही राइटर थे वो। बिल्कुल तो ऐसे लोगों के लगातार लिटरेचर पढ़ते रहने और उनके अफसानों को लगातार करते रहने से उर्दू से तो मेरी वाकफियत थी, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं थी। और रही बात जो शुरू में मैं फिल्म में पश्तो बोलता हूँ, उसके लिए एक अफगानी टीचर थे अच्छा जो कि वो सिखाते थे कि इन लफ्ज़ों का, इन इस लफ्ज़ का ये मतलब है और इसका ये मतलब है, तो उसको लगातार पढ़ते रहना, लगातार उसको करते रहना, तो बहुत ही मेरे लिए, मैं कहूँगा कि इजी रहा। अरे वाह तो लेकिन उसके पीछे टाइम बहुत गया, टाइम ज़रूरी है गया कि चलते उठते बैठते हर तरीके से उस चीज़ को कहते रहना करते रहना, तो वो मेरे लिए बहुत इजी रहा उर्दू से वैसा करना। अब वो जो टोन था वो मुझे, एक मैंने प्ले किया था मंटो साहब का टिटवाल का कुत्ता, तो उसमें मैंने एक ऐसे पाकिस्तानी ऑफिसर का एक बीच में छोटा सा ग्लिम्स दिया था जिसमें वो पठान होने का उसमें चीज झलक आती झलक है आती है कि ये पठान है, ये ठीक। पठान है जो कि पाकिस्तान में रहता है। तो वो एक छोटी सी झलक दी थी, और साथ ही साथ जो मेरे टीचर थे वो जिन शब्दों को बोलते वक्त जब वो हिंदी या उर्दू बोल रहे थे तो किन शब्दों में वो ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे थे या उनका क्या तरीका था। और ज़्यादातर जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो मेरे टीचर थे और जो बोलते थे वो ह शब्द का इस्तेमाल बहुत छोटे में करके हम, लेकिन अब वो कितना रेशियो में अम भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो हाँ आपने कहा कैरिकेचरिश हो सकता था हाँ उसका अंदाजा एक आपको सिर्फ करते करते ही मिल सकता है सही कि बात वो है, कितना एडजस्ट करना है। ठीक है। ये उस तरीके का एडजस्टमेंट है जैसे लोग पूछते हैं कि थिएटर और फिल्म की एक्टिंग में क्या फर्क है, तो कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ आपको ये पता होता है कि वहां पर आपको 1,000 ऑडियंस सामने बैठ के देख रही है और यहां पे सिर्फ आपको एक कैमरा देख रहा है, ठीक तो आपको बस एडजस्ट करना होता है। ट्रुथ की जरूरत दोनों में होती है। तो काफी सारी चीजें इकट्ठी जमा हो गई थी, पहले का एक्सपीरियंस साथ में टीचर का होना, तो ये सारी चीजों ने हेल्प की। और स्क्रिप्ट में बहुत कुछ ऐसा था जिसने इस कैरेक्टर को तैयार करने मदद की कि ये कैरेक्टर आपको देख के लगता है कि ना सिर्फ जबान बल्कि जब ये खड़ा है स्क्रीन पे, जब भी आता है तो लगता है कि इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल मतलब कि ये अगर इसका कुछ दिखाया नहीं जा रहा लेकिन इसका अपना एक वजूद है और इसकी पैदा होने से लेके यहां तक की एक जर्नी है, वाह और वो जर्नी मेरे पास काफी कुछ लिखी हुई है कि वाह ये बंदा जो आज ये खड़ा है इस वॉर पे और ऐसी चीज करके आ रहा है जो पहले सीन में, तो पैदा होने के बाद से यहां तक ये, इसने ऐसा क्या क्या किया जो यहां तक पहुंचा। तो वो एक एक्टर को अपने अंदर वो चीज़ ढूंढने के लिए, बिलीफ दिलाने के लिए तमाम सारे एरियाज पे काम करना होता है, बिल्कुल तो बड़ी लंबी चौड़ी तैयारी रही, लेकिन ये है कि जबान जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं रही। ठीक है।